नमस्कार किसान मित्रों, प्रताप ऑर्गेनिक फार्म्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने घर में लगे हुए एक नींबू के पेड़ की प्रूनिंग यानी कटिंग करेंगे। इसमें पहले अच्छे से फल आ रहे थे, फूल भी बढ़िया आ रहे थे, लेकिन अब इसमें फूल आना बंद हो गए हैं। तो इसकी कटिंग कर देंगे अच्छे से, तो इसमें अच्छे फूल आने लगेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए एक साफ़ सुथरी कैंची या एक ब्लेड ले सकते हैं, जिससे सुरक्षित तरीके से इसको काटा जा सके। मैंने कैंची ली, हाँ, और इस तरीके से इसको कट करेंगे। बस इस तरीके से देखना है कि यहाँ से नए कल्ले ये लेगा। थोड़ा सा खुद से समझने की ज़रूरत है। वहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। क्या होता है कि नींबू का एक ऐसा पेड़ है जो कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि बस इसकी ग्रोथ भी काफ़ी धीमी हो जाती है और उसमें फल आने बंद हो जाते हैं, नींबू आने बंद हो जाते हैं। इसलिए इसकी कटिंग ज़रूरी है, प्रूनिंग इसी कर देंगे तो इसमें बहुत अच्छे से फल आने लगते हैं। इसमें एक दो जगह अभी फूल आए हुए हैं, एक ही जगह है वो भी बड़ी कमज़ोर सी एक डाल है जो टूटने वाली, उसमें फूल आए हुए हैं। इसमें कुछ होगा नहीं, फूल गिर जाएंगे। बस कटिंग पूरी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। इससे क्या है, ये देखिए इसमें आए हुए हैं कुछ फूल और डाल, लेकिन बहुत पतली है और उसका वहाँ से टूटने वाली भी है, देख सकते हैं वीडियो में। पूरी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। क्या होता है कि एक्स्ट्रा ये ग्रोथ जो होती रहती है डालों में, इससे इसको आवश्यक जो न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो इसके लिए पूरे नहीं हो पाते। इसलिए बिना वजह की जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक देंगे और अच्छे कल्ले भी लेगा, उसमें फूल भी आएंगे। इसीलिए मैं इनकी कटिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से इसको आप कट कर लेंगे, अच्छे फूल आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसकी कटिंग करने के साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, वेस्ट डिकम्पोजर का 100% छिड़काव इस पर ज़रूर करें, जो कि हम करते रहते हैं। इससे क्या होता है, पेड़ स्वस्थ बना रहता है।